बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी दर्शकों को बता दें, जनपद शामली से आ रही जहां कांदला कस्बे में उड़ीसा से 15 लोगों की आई जमात की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग व डॉक्टरों की टीम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कांदला थाना प्रभारी करमवीर सिंह ने भारी पुलिस बल और डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर पुरानी मस्जिद पर पहुंचे, जहां पर सभी जमात के लोग मौजूद मिले, जिसके बाद जमात में आए 15 लोगों की डॉक्टरों की टीम ने पूछताछ के साथ उनकी जाँच की। साथ ही डॉक्टरों ने सभी लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने व नजला खांसी बुखार गले में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टरों के पास पहुंचकर जांच कराए जाने की बात कही। हालांकि उड़ीसा से आए जमात में डॉक्टरों की जांच पड़ताल में सभी लोग सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने राहत की सांस ली है। तो यह पूरा मामला जनपद शामली के कांदला कस्बे का बताया जा रहा है। साथ ही इस खबर पर हमारे सहयोगी नासिर अली फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नासिर, बताया जा रहा है कि कांदला कस्बे में उड़ीसा से 15 लोगों की जमात आई है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा नफीस जी, जिस तरीके से 15 लोगों की जमात आने की नूरानी मस्जिद में पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, तो इस सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानो एकदम हड़कंप सा मच गया और आनंद फानम में पुलिस विभाग की टीम द्वारा और भारी पुलिस बल नूरानी मस्जिद पर पहुंच गया, जहां पर उड़ीसा से आए जमात के 15 लोग मस्जिद के अंदर ही मौजूद मिले, जिनकी डॉक्टरों द्वारा वहां पर जांच कराई गई। जी, इस मामले में किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल, आपको नतीश जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने सभी लोगों की जांच की है, उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया गया है कि सभी लोग स्वस्थ पाए गए हैं और इनको समय समय रहते जांच कराने की बात कही गई है और प्रत्येक प्रत्येक बंदे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की बात कही है और मस्जिद से बाहर ना जाने की सलाह दी है। जी ठीक है, इन सब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाम, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार। अच्छा, जिस तरीके से आप मस्जिद में आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत की है, क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर बात की गई? नहीं, ये इनके लिए एक तरह का एडवाइस दी गई, हाँ, कि जो बाहर से जो आए हुए हैं और जिनको कोई तकलीफ है, हाँ, या नहीं भी है, उनको मतलब दूर दूर रहना है। अच्छा, कहाँ से, कहाँ के लोग हैं ये? काफी दूर दूर से आए हैं यहाँ तो। अच्छा, ये कितने लोग हैं? टोटल 15। टोटल 15 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी दूर दूर से। अच्छा अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी तो ये इनको ये मिला था कि बाहर से कुछ लोग रुके हुए हैं, तो प्रचार के लिए रुके हैं, इकट्ठा रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा, हम तो इसलिए आए इनके लिए कि एग्जामिन करने के लिए कि कोई किसी को तकलीफ तो नहीं, अगर किसी को तकलीफ होगी तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं मिली। आगे के लिए क्या चेतावनी दी गई? आगे के लिए इनको एक अलग रहने के लिए कहा गया है, ये मतलब कम से कम 2 मीटर का स्पेस बना के रखें आप एक दूसरे से, ज़्यादा मिले जुले ना, बाहर ना निकले, कहीं भी किसी के पास मतलब जाना नहीं है, अलग ही रहना है। इसीलिए यहाँ पर जी।